हेलो दोस्तों, ग्रीन विजडम चैनल पर आज इस वीडियो में दिख रहे इस चिड़िया के बारे में जानकारी देंगे। इस चिड़िया को पीली चोंच वाला बैबलर या श्वेत सर वाला बैबलर कहते हैं। इंग्लिश में इसे येलो बिल्ड बैबलर कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम आर्गिया एफिनिस है। इस पक्षी का प्राकृतिक निवास झाड़ियाँ, कृषि एवं बगीचों की भूमि होती है। जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं, इसके पंख छोटे तथा गोल होते हैं, जिससे इनके उड़ने की क्षमता कमजोर होती है। यह पक्षी आमतौर पर समूह में रहते हैं और इनको चहचहाते हुए तथा चारा खोजते देखा जाता है। इन पक्षियों के शरीर का ऊपरी भाग धूसर भूरा, गला तथा छाती चित्तीदार सलेटी तथा सफेद बादामी पेट होता है। इनके सिर और गर्दन के पीछे का भाग सलेटी होते हैं। यह पक्षी 7 से 10 या अधिक के झुंड में रहते हैं। यह एक शोर करने वाला पक्षी है, जिनकी एक झुंड की उपस्थिति का आभास कुछ दूरी तक लगातार चहचहाने, शोर करने तथा इनके बात करने से पता चल जाता है। इनका एक सदस्य अक्सर एक ऊंचे स्थान पर बैठकर इनकी प्रहरी की भूमिका निभाता है, जबकि अन्य सदस्य भूमि के निकट अथवा भूमि पर चारा खोजते रहते हैं। ये पक्षी मुख्यतः कीड़े मकोड़े खाते हैं, परंतु फल रस तथा इंसानों द्वारा छोड़ा गया भोजन भी खा लेते हैं। ये पक्षी ज्यादा लंबी दूरी तक उड़ नहीं पाते हैं। इनकी अधिकतम बिना रुके उड़ान दूरी लगभग 180 मीटर तक लगभग होती है, और उसके पूर्व ये आमतौर पर एक लंबे पेड़ या झाड़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। इन पक्षियों का समूह सुबह में लगभग 6 बजे की आसपास जागकर चारा खोजना प्रारंभ कर देते हैं, और दिन के अपेक्षाकृत गर्म समय 1 बजे से 4:30 बजे के बीच निष्क्रिय रहते हैं, और फिर शाम 7 बजे यानी सनसेट के समय के आसपास समूहों में इकट्ठा होकर अपने को साफ करती है और फिर अपने बसेरों में चली जाती है। एक समूह के सदस्य आसपास ही बसेरा बनाते हैं और कुछ कम आयु के सदस्य समूह के बीच में ही रहते हैं। जब समूह चारा खोजता है, तब प्रहरी पक्षी फड़फड़ाते हुए कूदती रहती है। इन पक्षियों को अक्सर दोपहर के बाद व शाम से पहले समय में कुछ क्षेत्र में चिड़ियों के नहाने के स्थल पर नहाते हुआ देखी जाती है। यदि यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।